ऋण से दबे हुए तमाम किसान इसे राहत महसूस करेंगे। किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं वे नहीं करेंगे, वे अपने घर परिवार को सुख चैन से रख सकेंगे। धान उत्पादन एवं बाजार सुलभता की जो योजना है उसे मुझे लगता है कि किसानों में साहस पैदा होगी, किसानों में भय का वातावरण समाप्त होगा और वो ज्यादा से ज्यादा कृषि कार्य करने के लिए प्रेरित होंगे। महोदय मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज जिस प्रकार से कृषकों और महिला समूहों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने कृषि यंत्र के क्षेत्र में जो 50 करोड़ रुपया का जो प्रावधान किया गया है, जिसे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगी और उनका परिवार आत्मनिर्भर होगा, मैं वास्तव में बधाई देता हूं महोदय। किसान राहत कोष सृजित करने की योजना है जिसके तहत में सरकार ने 100 करोड़ रुपया का प्रावधान किया है, किसानों में खुशी है और निश्चित तौर से मैं कहना चाहूंगा कि आने वाले दिनों में किसान खेती कार्य को बढ़ावा देने में आगे आएंगे। वर्तमान माननीय हेमंत सोरेन की अगुवाई में जो कृषि बजट पेश किया गया उसमें प्रत्येक जिले में जो 2 कोल्ड स्टोरेज की जो व्यवस्था की गई है, इससे किसानों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। हम आए दिन देखते हैं कि किसान जिस प्रकार से खेती करने के बाद में जब उसको लागत नहीं मिलता है और अपना फसल को जिस प्रकार से रोड में फेंक देते हैं, जिस प्रकार से उसका नुकसान होता है, अगर कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था अगर प्रत्येक जिले में कर दी जाए तो मैं निश्चित तौर से कहना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में कम से कम किसान आलू टमाटर इस प्रकार के तमाम जो खेती है उसको करेंगे और जो अगर वक्त में अगर उनको बाजार नहीं मिलता है तो उसको रखने में उनको सुविधा होगी। का जो स्थापना की जो योजना है जिसके तहत में मोबाइल पशु चिकित्सा क्लिनिक की जो शुरुआत सरकार ने की है, मैं इसकी सराहना करता हूँ। 90% अनुदान पर दुधारू गाय के वितरण पर जिस प्रकार से सरकार ने APL परिवार को जोड़ा है, मैं निश्चित तौर से कहना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में कम से कम दुधारू गाय पाल करके किसान आत्मनिर्भर बनेंगे। दुग्ध उत्पादक परिवारों को चारा काटने की मशीन एवं पशु आहार उपलब्ध कराना सरकार की वास्तव में सराहनीय कार्य है। इसके तहत में ग्रामीण क्षेत्रों के सभी वर्ग के लोगों को आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत होने का अवसर प्राप्त होगा। मछली पालन के क्षेत्र में महोदय मत्स्य विपणन योजना के तहत में जिस प्रकार से ऑटो रिक्शा मोबाइल रिटेल कियोस्क अनुदानित दर पर उपलब्ध कराना सरकार सुनिश्चित किया है, वास्तव में आने वाले दिनों में किसान को आत्मनिर्भर बनने में सहायक साबित होगा, ताकि मछली के उत्पादन के क्षेत्र में झारखंड आत्मनिर्भर होकर मछली निर्यात के क्षेत्र में आगे बढ़े। सिंचाई योजना को दुरुस्त करने के लिए और उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए सरकार कृत संकल्प नजर आती है। चेक डैम पोखर जलाशय को बांधकर सिंचाई के क्षेत्र में किसानों को राहत मिलेगी एवं कृषि के क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलता मिलेगी। बड़े पोखर बड़े तालाब निर्माण तालाबों का जीर्णोद्वार करना सरकार का लक्ष्य हो, मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में अगर इस प्रकार की योजना को जमीनी धरातल पर उतार दिया जाए तो निश्चित तौर से किसान आत्मनिर्भर होंगे एवं किसान खुशहाल होंगे। महोदय मैं कहना चाहता हूं कि वर्तमान समय में और इससे पूर्व की सरकार में जिस प्रकार से देखा गया है कि किसान को धान बेचने के बाद में भी लैंपस में जमा करने के बाद में भी उसको तत्काल में उसका मूल्य नहीं मिल पाता है, जिससे किसानों में निराशा की स्थिति होती है। महोदय मैं आग्रह करना चाहता हूं कि कम से कम अगर किसान अगर धान को लैंपस तक पहुंचाते हैं तो उनको अविलंब तुरंत में उनको अगर उनका जो मुआवजा दिया जाए, उनका जो धान का मूल्य दिया जाए, तो मुझे लगता है कि किसानों की परेशानी कम होगी। मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि जिस प्रकार से अभी वर्तमान में देखा गया है कि हम लोगों ने 25 रुपया जो धान क्रय का जो मूल्य जो निश्चित किया है, आज के परिवेश में देखा गया है कि FCI कहती है कि
गोदाम में जगह नहीं है और लैंपस उसको एफसीआई गोदाम तक नहीं पहुंचा रही है, जिसके का जो रेट है 12 या 13 रुपया की, उसी रेट में धान को बेचने पे मजबूर हुए हैं। मैं एक आग्रह करना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय की, जिस प्रकार से हमारे खास करके गेतलसूद में मेगा फूड पार्क का स्थापना 100 करोड़ रुपया के लागत से किया गया था महोदय, लेकिन आज पिछली सरकार इसका शिलान्यास भी करती है, इसका शिलान्यास भी करती है, लेकिन आज कहीं ना कहीं वह जो पैसा है बेकार पड़ता दिख रहा है, क्योंकि आज वहां पर घास फूस नजर आ रहे हैं। अगर मेगा फूड पार्क को अगर दुरुस्त किया जाए तो मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं कि कम से कम 25,000 किसान जो रांची के इर्द गिर्द में रहते हैं वे लाभान्वित होंगे। जो किसान टमाटर की खेती करके आलू की खेती करते हैं, कम से कम वहां जमा करके कम से कम उनको जो उनका जो मूल्य है वो मूल्य उन्हें मिलेगा, उनका जो सामान है वो बर्बाद नहीं होगा। मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से लोगों के बीच में बीमारी बढ़ी है, वो निश्चित तौर से खान पान की वजह से बढ़ी है। मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि जैविक खाद की दिशा में हम लोगों को कदम उठाने की जरूरत है, ताकि सेहत अच्छा रहे लोगों का। और मैं एक आग्रह यह भी करना चाहता हूं कि कम से कम 100 से 200 एकड़ जमीन को चिन्हित करके एक ड्रिप बोरिंग कराया जाए, या वहां पे बड़ा तालाब या पोखर का निर्माण कराया जाए और वहां पे ड्रिप इरिगेशन की प्रावधान किया जाए, ताकि जिस प्रकार से हमारा जो जल स्तर नीचे जा रहा है उसको हम लोग रोकने में कामयाब हो सके। इसके लिए मैं आग्रह करना चाहता हूं कि कम से कम जो हमारा झारखंड में सीढ़ी नुमा खेत है, उस खेत के ऊपरी हिस्से में बड़ा पोखर या बड़ा तालाब का निर्माण कराया जाए, ताकि जो नीचे का हिस्सा है, नीचे का हिस्सा में जो जल का जो संचय है वो हो सके और नीचे का जो खेत है उसका पटावन हम लोग कर सके। मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि अभी जिस प्रकार से सुदूर ग्रामीण इलाकों में माइनिंग किया जा रहा है, खनन किया जा रहा है, वो क्या रहा है महोदय कि अगल बगल जितने पेड़ पौधे हैं, चाहे वो लाख के हो, चाहे प्लास के हो, चाहे बैर के हो या कुसुम के हो, उनके उत्पादन क्षमता में कमी आई है। वहां लाख उत्पादन में कमी हुई है। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि इस बीज का वितरण हम लोग तब करते हैं जब आधा बरसात हमारा निकल जाता है, किसान उस धान को ऐसे ही छोड़ देते हैं, ले तो लेते हैं कि मिल रहा है लेकिन उसका उपयोग वे नहीं कर पाते हैं। मैं आग्रह करना चाहूंगा कि समय से हम लोग बीज का व्यवस्था किसानों तक कर सके, ताकि किसान कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सके। महोदय, मैं यह कह सकता हूं कि आगामी वर्ष में माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में माननीय कृषि मंत्री बादल पत्रलेख जी के कुशल अगुवाई में कृषि के क्षेत्र में किसान खुशहाल होंगे, एवं विगत सरकार में जिस प्रकार से किसानों ने आत्महत्या किया है उसकी पुनर्वृत्ति वर्तमान सरकार में नहीं होगी। महोदय, मैं फिर एक बार आपको आग्रह करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से पिछली सरकार ने बकरी का वितरण, बत्तख का वितरण किया है, मैं बकरी के वितरण में एक मैं आपको कहना चाहता हूं कि एक और मांझी प्रखंड है, उसमें बकरी का वितरण तो किया, लेकिन वो किया क्या कि दूसरे गांव से खरीद करके दूसरे गांव को दे दिया और कहा गया कि यह उन्नत किस्म का बकरी है। तो इस प्रकार का जो बिचौलिया जो हावी है महोदय, उसको समाप्त करने की आवश्यकता है। अगर हम किसान को अगर उन्नत किस्म के अगर हम नस्ल देना चाहते हैं तो प्रयास हमारा यह होना चाहिए कि किसानों तक उन्नत किस्म का नस्ल पहुंच सके। क्योंकि सरकार से मैं ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं महोदय कि तभी प्रथम पाली में जिस प्रकार से हमारे भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायक के द्वारा
जेपीएससी के मुद्दे को लेकर के जिस प्रकार से यहाँ पे बात हुआ महोदय, तो उसमें मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का ही शासन काल रहा था जिसमें जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा का 3 रिजल्ट प्रकाशित किया गया महोदय। पहला रिजल्ट पहला जब हुआ तो पहला रिजल्ट 5138 प्रकाशित हुआ, दूसरा रिजल्ट उसमें 965 को जोड़ दिया गया और कुल 6103 रिजल्ट प्रकाशित किया। मैं उन्हीं से कहना चाहता हूं कि तीसरा रिजल्ट भी प्रकाशित होता है जिसमें 34634 अर्थात 28633 फिर उसमें जोड़ा जाता है महोदय। और मजेदार बात यह है कि आज इन्हीं लोगों के द्वारा सदन से पूछा भी जा रहा है कि जेपीएससी के मामले में छात्र आंदोलित है। मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से थर्ड रिजल्ट को पंकज कुमार पांडे जिस प्रकार से चैलेंज किया गया है उस कि विज्ञापन के नियमों का पालन नहीं हुआ है, थर्ड रिजल्ट को कोर्ट ने खारिज किया है महोदय। अब अभ्यर्थियों ने सेकेंड रिजल्ट इसमें 965 को जोड़ा जाता है, BC1 और BC2 को जोड़ा गया है सिर्फ, उसमें ST और SC को भी छोड़ दिया गया है, उसको भी चुनौती दिया है, सुनवाई जारी है, कोर्ट ने सरकार और आयोग से 4 हफ्ते में जवाब भी मांगा है महोदय, जिसमें 2 हफ्ता करीब बीत चुका है और उसमें 965 में से अभी तकरीबन 130 अभ्यर्थी इंटरव्यू भी दिया है महोदय। इन छात्रों की नियुक्ति के बाद में यदि नियुक्ति रद्द हो जाती है तो ये हमारे लिए उचित नहीं होगा महोदय। मैं कहना चाहता हूं कि JSC 2017 में पिछली रघुवर सरकार ने मुख्य परीक्षा के एक दिन पहले अधियाचना वापस ले लिया था। पंजाब में 2002 में पंजाब लोक सेवा आयोग, कर्नाटक में 2011 में कर्नाटक लोक सेवा आयोग ने अधियाचना वापस ले लिया था, तब तक नियुक्ति हो चुकी थी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का उस बयान का भी समर्थन करता हूँ, उन्होंने धनबाद में कहा था अगर केंद्र सरकार हमारी आरक्षण को खत्म करेगी तो हम कोयला और लोहा बंद कर देंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री के बयान से 100% सहमत हूं और समर्थन भी करता हूं। मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, पूर्व की भाजपा नेतृत्व रघुवर सरकार ने 6th जेपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण खत्म कर दिया है। मैं सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि झारखंड के युवा एवं छात्र के हित में 6th जेपीएससी की उच्च स्तरीय जांच कर अधियाचना वापस लेकर पुनः 6th, 7वीं, 8वीं और 9वीं की संयुक्त परीक्षा प्रीमियम सर्विस लागू करते हुए आयोजित की जाए। मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं, चूंकि यह कृषि पर आधारित आज हमारा अभिभाषण होना था, लेकिन महोदय चूंकि पूर्व में ही इसी मुद्दे को लेकर के उन्होंने सदन में आवाज बात को रखा था, इसलिए मैं इस बात को रखा हूं और आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर दिया महोदय, उसके लिए मैं सदन का आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।